सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों? आई होप आप लोग खड़ी ऐसे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि फेसबुक अकाउंट को रिकवरी कैसे करें। अगर दोस्तों अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दी है परमानेंटली के लिए, उस फेसबुक अकाउंट को रिकवरी कैसे करेंगे, यानी कि बैकअप कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तबरेश, आप देख रहे हैं तबरेश गन टेक, आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों वीडियो को अच्छे समझाने के लिए मेरे मोबाइल स्क्रीन की ओर। आपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिए हैं, उस फेसबुक अकाउंट को रिकवरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मांगेगा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। उस फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है, जैसा कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बोलेगा कंटिन्यू विथ गूगल अकाउंट, यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा कन्फर्म योर इंडेंटली, यानी कि गेट स्टार्टेड पर आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका इस तरह से फिर से एक पेज ओपन होने लगेगा। इस तरह से पेज ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा ऊपर साइड योर अकाउंट इज शेड्यूल फॉर द डिलीशन ऑन 19 जुलाई 2022, यानी अपने फेसबुक अकाउंट को 19 तारीख को मैंने डिलीट किया है परमानेंटली के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा नीचे के साइड लॉग आउट, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा यस कंटिन्यू टू फेसबुक, यानी दोस्तों अपने फेसबुक को परमानेंटली के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 30 दिन के अंदर अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि लॉग आउट करके आपको डिलीट कर देना है, यानी आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर अपने फेसबुक को रिकवरी करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको दिखेगा यस कंटिन्यू टू फेसबुक, यानी कि अब अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट किए हैं तो उस फेसबुक अकाउंट को 30 दिन के अंदर आप अपने फेसबुक को रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको यस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यस कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिए दोस्तों यहां पर आपको फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपका फेसबुक जो परमानेंटली डिलीट किए थे तो यहाँ पर आपका रिकवरी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवरी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरा फेसबुक अकाउंट चलने लगा है। तो दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट किए हैं तो रिकवरी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।